जो कामगार श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है और बाहर काम करने गए हैं, मर गए हैं, उनको एक रुपया भी नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि चाहे बिहार में मरे और चाहे बंगाल में मरे, लेकिन उसके आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाए, ये मेरा आग्रह है। संसाधन विभाग से यह हम लोग अपने पीरियड में इसको 2 लाख करवाए और जो 4 लाख देने के वो आपदा से है महोदय, इस विभाग से नहीं, श्रम संसाधन विभाग से 2 लाख रुपया दिया जाता है। मजदूरों के प्रति इनकी सजगता यही दिखाई पड़ती है महोदय, कि विभाग सुन लीजिए, इस विभाग में इनको भी अवसर मिला था सेवा करने का, मौन क्यों थे महोदय? और अब सुनिए पूरी बात, ये भी हमने किया है और आगे सुनिए। अरे अब हल्ला शोर मचाने से नहीं बदलेगा, मजदूर को मजबूर कर करके प्लान के लिए विवश करने वाले लोग अगर जो शोर मचाएंगे तो समाधान नहीं। सर मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के विधायक के उठाए हुए सवाल में आरजेडी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। मामला दरअसल श्रमिक संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जो बिहार के श्रमिक है अगर उनकी किसी प्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मुआवजे के तौर पर 4 लाख दिया जाता है, लेकिन यही बिहार के श्रमिक कहीं बाहर जाते हैं और बाहर में कोई उनके साथ हादसा होता है तो उन्हें 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। ये भेदभाव आखिर क्यों है? इस पर विपक्ष जो है वो बीजेपी के विधायक के साथ सहमत होती है और सरकार से मांग करने लगती है। सरकार में बैठे विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि हम इस चीज पर देखेंगे और इस पर काम भी करेंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष मानता नहीं है और हंगामा करना शुरू कर देता है। उसके बाद अध्यक्ष के बोलने पर भी बेल में आकर वो लगातार हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको सीधे विधानसभा से वो तस्वीर दिखाते हैं जहां विपक्ष के द्वारा सरकार पर किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है और सरकार को किस तरीके से घेरते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल सरकार का जवाब आया है विस्तृत आसमान की तरह, लेकिन मेरा प्रश्न है एक छोटी सी ननी सी जान की तरह, वो इसलिए कि बिहार में कोई मरता है तो 4 लाख और बिहार के बाहर मरता है 2 लाख, ये लाश की कीमत भी 2 और 4 हो गई, ये मेरी समझ से बाहर की चीज है। मैं ये चाहता हूं कि 4 लाख रुपया बिहार के बाहर भी कोई कामगार अगर असामयिक मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको 4 लाख की राशि दी जाए। दूसरी बात मेरी ये है कि बहुत सारे कामगार, अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है, हम सभी सदन के लोग जानते हैं, पूरक ही है अध्यक्ष महोदय, कि बहुत सारे कामगार आज भी साक्षर नहीं है और वो किसी कारणवश या अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से वो श्रम कार्ड में अपना काम अपना नाम नहीं जुड़वा पाते हैं। तो जो कामगार श्रम कार्ड जिनके पास नहीं है और बाहर काम करने गए हैं, मर गए हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि चाहे बिहार में मरे या चाहे बंगाल में मरे, लेकिन उसके आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाए, ये मेरा आग्रह है। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग महोदय, माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इनको जानकारी भी है क्योंकि ये पहले भी हम इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इनको जानकारी भी है कि पहले तो 1 ही लाख रुपया दिया जाता था महोदय श्रम संसाधन विभाग से, ये हम लोग अपने पीरियड में इसको 2 लाख करवाए और जो 4 लाख देने के वो आपदा से है महोदय, इस विभाग से नहीं, ये श्रम संसाधन विभाग से 2 लाख रुपया दिया जाता है। तो महोदय ये स्पष्ट है, इनको उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 लाख रुपया श्रम संसाधन विभाग से दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है सदन में, गरीब से जुड़ा हुआ और मजदूर से जुड़ा हुआ सवाल है, मेरा आग्रह है कि सरकार हमारी है और हमारी सरकार जब 1 रुपया नहीं मिलता था तो 1 लाख मिला, फिर 2 लाख हुआ, तो मेरा आग्रह है सदन से कि इसे 4 लाख कर दिया जाए, गरीब मजदूर से जुड़ा, उसके आश्रित से जुड़ा हुआ,
विधवा को कोई नहीं पूछता है महोदय, कोई नहीं पूछता है। 14 दिन तक सब लोग पूछते हैं, उसके बाद से कोई नहीं पूछता है। खा लिया भत्ता, उड़ा दिया पत्ता, चल दिया कलकत्ता, कोई नहीं विधवा को पूछता है। इसलिए महोदय मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, मैं सरकार में हूँ और सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, जैसे हमारी सरकार ने 2 लाख किया वैसे 4 लाख कर दे। आपका आग्रह सरकार ने सुन लिया। श्री राहुल तिवारी राहुल तिवारी उत्तर मिल गया है, मैं प्रश्न से संतुष्ट हूँ। श्री अबिदुर रहमान, श्री अबिदुर रहमान पूछता हूँ जोर हो गया तो माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग हजूर पूछता हूँ जल संसाधन विभाग 1101 बैठिए पहले अपने स्थान पे बैठ जाइए। अबिदुर रहमान साहब बैठ जाइए, अभी अबिदुर रहमान साहब बैठिए। माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग महोदय, मजदूरों के प्रति इनकी सजगता यही दिखाई पड़ती है महोदय, कि विभाग सुन लीजिए, इस विभाग में इनको भी अवसर मिला था सेवा करने का, मौन क्यों थे महोदय? और अब सुनिए पूरी बात, ये भी हमने किया है और आगे सुनिए। अरे अब हल्ला शोर मचाने से नहीं बदलेगा, मजदूर को मजबूर कर करके प्लान के लिए विवश करने वाले लोग अगर जो शोर मचाएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। समाधान हमेशा हम लोग किए हैं और हम लोग करेंगे। अब सुनिए पूरी बात, सुनिए बैठिए, अब हल्ला मत करिए। मानी सर बैठिए, पहले उत्तर सुनिए। सुनिए ना, बैठिए महोदय, ये सुनना ही नहीं चाहते, बैठिए, ये सुनना नहीं चाहते हैं महोदय। श्रम संसाधन विभाग, अब शांति से सुनिए, बोलिए माननीय मंत्री जी अपनी बात कहिए। असंगठित कामगार एवं शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को 2 लाख रुपए का अनुदान बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत प्रदान की जाती है महोदय। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं में मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किए जाने का प्रावधान है, तो ये 4 × 2 = 6 लाख हुआ। आप दो महोदय, अब ये बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, अरे बैठिए ना, बोलेंगे, अरे बैठिए, एक एक करके बोलना है ना, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए, अरे बैठिए, नारा लगाने से होगा, बैठिए। माननीय मंत्री जी, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को एक बार दिखवा लीजिए, जो समाधान उसका इनका जो चिंता है उसको हम लोग समीक्षा भी करेंगे और एक बार मजदूरों के साथ, अब मजदूर हम लोग नहीं कहते हैं महोदय, अब उसको हम श्रमिक कहते हैं, ये श्रमिक सृजनकर्ता निर्माता विश्वकर्मा का संतान है, इसकी चिंता हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और करेंगे। श्री अबिदुर रहमान माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, हो गया, अरे पूरे मामले की समीक्षा होगी भैया, नहीं अब नहीं, अब नहीं, हो गया, अब हो गया, अब हो गया, बोलिए महोदय। वस्तु स्थिति यह है, इलाके अररिया प्रखंड के बेलवा पंचायत अंतर्गत
वार्ड नंबर 8 मदरसा टोला परमान नदी के दाएं तट पर तथा बेलवा वार्ड नंबर 10 परमान नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। नदी तट से बसावट की दूरी लगभग 10 से 15 मीटर दूर है। बाढ़ अवधि में अत्यधिक जलस्राव होने पर पिछले वर्ष 2013 के दौरान प्रश्नगत स्थलों पर कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था और इस स्थल पर इस बाढ़ अवधि में भी सतत निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्य करा करके इस स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा। श्री भारत भूषण मंडल, श्री भारत भूषण मंडल, बैठिए अपने सामने, बैठिए अपने सामने जाइए। सारे मामले को मंत्री दिखाएंगे, समीक्षा करेंगे, फिर इसमें कहां विषय विवाद का पैदा होता है। जब साफ साफ करेंगे फिर से समीक्षा करेंगे उसकी। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री विश्वनाथ राम, श्री राहुल तिवारी, श्री अमर कुमार पासवान, श्री आलोक रंजन, पूरक पूछिए पूरक। महोदय इसमें दो पूरक है महोदय, एक तो विभाग के द्वारा जो जब माननीय मंत्री समीक्षा करेंगे कि आपको मर्जी चलेगा महोदय, नियम कानून से चलेगा, विभाग के द्वारा जो सूचना दी गई है, माननीय मंत्री ने कहा समीक्षा करेंगे, अपने स्थान पे जाइए। बेल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, अपने स्थान पे जाइए। जी महोदय, विभाग के द्वारा जो सूचना दी गई है कि ये ओपीआरएमसी में इसमें काम हो रहा है तो बिल्कुल गलत सूचना है महोदय। ये सड़क बिल्कुल जर्जर है, पूरा इसका गिट्टी उड़ा हुआ है,